हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त में एक जबरदस्त वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों, ऐसी वैकेंसी आप बहुत कम निकलती हैं, और निकलती भी हैं तो काफ़ी दोस्तों को पता ही नहीं चलता है, तब तक ये वैकेंसी निकल जाती है वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में बताएंगे कि इसमें कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें दोस्तों आपको संपूर्ण जानकारी देंगे इस वैकेंसी से रिलेटेड, क्या इसका सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा और एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, इसका ऑफिशियल एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, वो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं ऐसी भर्ती से रिलेटेड वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जब तक आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करेंगे तब तक आप दूसरी वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण बैंक ऑफ आर्यावर्त नई भर्ती 2024 जारी। टोटल पद की बात करें ना तो दोस्तों टोटल पद यहाँ पर 5000 से भी ज़्यादा पद पर यह वैकेंसी रहेगी। दोस्तों हर साल ये वैकेंसी आती है, कभी 5000, कभी 6000, कभी 6500, कभी 7000 तक वैकेंसी आती है। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वैकेंसी का एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसमें संपूर्ण जानकारी दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज पोस्ट देख लिए, जनरल में 850, OBC में 1150, EWS में 750, और यहाँ पर देखिए दोस्तों SC में 1250 और ST में 1000 पोस्ट पर यह वैकेंसी है। अब एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों, अगर आपकी एज 18 से 28 साल के बीच है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, और हर भर्ती की तरह इसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन यानी एज में छूट मिलती है। अगर आप OBC से हैं तो दोस्तों आपको यहां पर 3 साल की छूट मिल जाएगी। अगर आप SC ST से हैं तो आपको एज में यहां पर 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगी। फॉर्म फिलअप यानी कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कहाँ के कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों आप इंडिया के कहीं के भी मूल निवासी हैं आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, महिला एंड पुरुष दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, फीस की बात करें, अगर आप जनरल OBC EWS कैंडिडेट हैं तो आपकी यहाँ पर 850 रुपये फीस कटेगी। अगर दोस्तों आप SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी यहाँ पर 175 रुपये फीस कटने वाली है। दोस्तों हम आपको इसकी सैलरी बता दें, सैलरी बहुत ही ज़बरदस्त है। दोस्तों सरकारी नौकरी है, परमानेंट बेसिस पर नौकरी है, तो स्टार्टिंग में जो सैलरी मिलेगी 45,000 से 90,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। ये दोस्तों इसकी सैलरी हो गई। अब दोस्तों इसका सिलेक्शन का प्रोसेस देख लीजिए सबसे पहले, फिर आपको बताएंगे कि इसका सिलेबस क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, योग्यता क्या मांगी गई है, संपूर्ण जानकारी देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों सिलेक्शन का प्रोसेस, सबसे पहले इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम दो भाग में होगा, पहले प्री फिर आपका मेंस। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका मेंस एग्जाम, यानी इसी में दोस्तों दो एग्जाम होगी, प्री और यहाँ पर मेंस। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो समझो आपका सिलेक्शन हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्री में सिलेबस देखिए कौन कौन, यानी प्री जो आपका एग्जाम होगा सेशन वन वाला, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो देखिए। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, मैथ से 40 क्वेश्चन, 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, यानी 80 क्वेश्चन 45 मिनट का समय दिया जाएगा। बस आपको इसे आप क्वालिफाई कर दीजिए। जो दोस्तों इसी जो दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी वो दोस्तों मैन एग्जाम से बनेगी, यानी मेंस एग्जाम से बनेगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें दोस्तों रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, मैथ से 40 क्वेश्चन, GA यानी जनरल अवेयर से 40 क्वेश्चन, हिंदी एंड इंग्लिश से 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 40 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पर दोस्तों आपके जो 200 क्वेश्चन 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। ये दोस्तों यहाँ पर इसका रिटर्न एग्जाम का सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं कि इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। इसके दोस्तों जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 1/6/2024 से दोस्तों आपके 29/6/2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके फॉर्म जो अप्लाई होंगे ना वो 1/6/2024 से 29/6/2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें योग्यता यानी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं वो देखिए। अगर आपने ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, यानी BA BSc कुछ भी कर रखा हो, बस आपके पास ग्रेजुएशन है
तो आप इसमें फार्म को डाल सकते हैं। दोस्तों आपका अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।